फिलिस्तीनी संगठन हमास ने इसराइल के 3 शहरों पर रॉकेट अटैक कर दिया। एक न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक अब से थोड़ी देर पहले करीब 8 बजे राजधानी तेल अवीव, इस्तेरोट और अश्कलोन शहर में रॉकेट दागे गए। ये रॉकेट रिहायशी इमारतों पर भी गिरे। बताया गया कि इन हमलों में 5 लोगों की मौत हो गई जबकि 100 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। मरने वालों का आंकड़ा बढ़ भी सकता है। हमास ने दावा किया है कि उन्होंने इसराइल पर 5,000 रॉकेट से हमला किया है। टाइम्स ऑफ इसराइल की रिपोर्ट के मुताबिक हमास ने इन हमलों की जिम्मेदारी लेते हुए इसराइल के खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशन शुरू करने का ऐलान किया है। उधर इसराइल की सेना ने भी कहा है कि वो जंग के लिए तैयार है। आर्मी ने अपने सैनिकों के लिए रेडीनेस फॉर वॉर का अलर्ट जारी कर दिया है। हमास के सैन्य कमांडर मोहम्मद दीफ ने कहा कि चल रहे ऑपरेशन को अल अक्सा फ्लड नाम दिया गया है। ये यरूशलम में अल अक्सा मस्जिद को इसराइल की तरफ से अपवित्र करने का बदला है। दरअसल इसराइली पुलिस ने अप्रैल 2023 में अल अक्सा मस्जिद में ग्रेनेड फेंके थे, जिसके जवाब में हमास की तरफ से ये कार्रवाई की गई। बताया गया कि इन हमलों के बीच कुछ ही देर में डिफेंस मिनिस्ट्री के हेडक्वार्टर में इजरायली कैबिनेट की बैठक होगी। हमले से जुड़े कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। अश्कलोन शहर में हुए एक हमले के वीडियो में इमारत और सड़कों पर खड़ी गाड़ियों को चलते हुए देखा गया। उधर इसराइल ने इन हमलों को आतंकी हमला करार दिया। इसराइल से सामने आए कई वीडियो में ये लड़ाके सड़कों पर घूमते हुए दिखाई दिए, जबकि कुछ वीडियो में इन्होंने लोगों पर फायरिंग भी की। हालांकि इन वीडियोस की पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। अश्कलोन और तेल अवीव में सैनिकों की संख्या बढ़ा दी गई है और इसराइल ने भी जवाबी कार्रवाई तेज कर दी है।